नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल नंबर 2.8। एग्जाम्पल नंबर 2.8 ठीक है, क्या गिवन है इसमें? ए स्टील बॉल विथ रेडियस 0.3 मिलीमीटर इज फॉलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एट टाइम टी। ठीक है, तो एक स्टील बॉल है और उस स्टील बॉल का रेडियस दिया है, कितना रेडियस दिया है 0.3 मिलीमीटर। ओके, इतना रेडियस गिवन है, इज फॉलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ, और वो स्टील बॉल कितने की वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, इट इज़ फॉलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विथ ग्लिसरीन, थ्रू अ ट्यूब फिल्ड विथ ग्लिसरीन। तो मान लो कि अगर सपोज करो ये कोई ट्यूब है, ठीक है, और इसमें क्या भरा हुआ है, ग्लिसरीन भरा हुआ है, ठीक है, और इसमें जो ये मेटल की बॉल है, जो कि ये मेटल की बॉल है जिसका रेडियस कितना है 0.3 मिलीमीटर, ये कितने की स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड स्पीड से नीचे गिर रही है, राइट। तो यहाँ पर क्या बोला है, हैविंग कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये जो ग्लिसरीन है इसका जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है वो कितना दिया है, एटा इज इक्वल टू 0.833 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। और क्या बोला है, डिटरमाइन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टील बॉल, हमें फाइंड क्या करना है कि इस बॉल पर कितना विस्कस फोर्स एक्ट होगा, विस्कस फोर्स यानी एफ वी कैलकुलेट करना है, राइट, क्या कैलकुलेट करना है, एफ वी। तो क्या गिवन है, समझ में आया कि एक हमारे पास ट्यूब है जिसमें ग्लिसरीन भरा हुआ है और एक मेटल की बॉल है जो नीचे गिर रही है, कितने की स्पीड के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड, और उसका रेडियस कितना है 0.3 मिलीमीटर। तो हमें ये बताना है कि ये जो ग्लिसरीन है इसके वजह से इस बॉल पर कितना विस्कस फोर्स एक्ट होगा, राइट। तो अगर हम देखेंगे तो हमने स्टोक्स लॉ में क्या पढ़ा है, द विस्कस फोर्स एक्टिंग इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आर वी, यही तो फॉर्मूला है, और देखो ईटा की भी वैल्यू गिवन है, आर की भी वैल्यू गिवन है, और वी की भी वैल्यू गिवन है, तो चलो ये उस वैल्यूज को सब्सिट्यूट करते हैं। सो देयरफॉर विस्कस फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई की वैल्यू क्या होगी, 3.14, ईटा हमें कितना दिया है 0.833, आर की वैल्यू कितना है, देखो आर की वैल्यू मिलीमीटर में दिया है, तो सबसे पहले आपको कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 0.3 × 10⁻³ मीटर। ये याद रखना है कि मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए वैल्यू को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या लिख देते हैं, 0.3 × 10⁻³, और वेलोसिटी कितना है, इट इज़ गिवन 2। तो इसको आपको सिंपली क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर विस्कस फोर्स इज इक्वल टू, पहले आप छोटे छोटे टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, राइट, देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 6 × 3.14 × 0.833, राइट, 0.833, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 × अब देखो यहाँ पर 10⁻³ कितना है, -3, तो इसको वैसे -3 लिख दो। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, एफ वी इज इक्वल टू, अब हम क्या कर सकते हैं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3.14 × 0.833 × ये क्या हो जाएगा, 3.6 × 10⁻³। अब आप क्या करो, अब आपको यहाँ पर लॉग एंटी लॉग का यूज़ करना पड़ेगा, तो आप चाहें तो नॉर्मल कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, या तो बेटर है कि आप लॉग एंटी लॉग यूज़ करें। मैं इसके लिए लॉग एंटी लॉग एडवाइस करता हूँ आपको, क्योंकि देखो अगर आप नॉर्मल कैलकुलेशन करते हो और आप ऐसे ही करने बैठते हो, और अगर आप इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आंसर फाइंड आउट करते हो, तो उससे अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बोर्ड एग्जाम में हमें कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर फिर क्या होता है कि हमें इन्हीं कैलकुलेशन को करने में बहुत टाइम देना पड़ता है, राइट। तो इससे बेटर है कि आप अभी से लॉग एंटी लॉग का यूज़ करने का आदत बना लो, तो उससे क्या होगा कि जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस में इसे ले आओगे, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से आपको लॉग एंटी लॉग देख के आंसर निकालना आने लगेगा। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर जो विस्कस फोर्स आपको मिलेगा, दैट इज़ गिवन 9.422 × 10⁻³, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इतना विस्कस फोर्स इस मेटल बॉल पर लगेगा ड्यू टू द ग्लिसरीन, राइट। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.9। एग्जाम्पल नंबर 2.9 विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 48, क्या दिया है, ए स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 cm/s इन स्टडी एयर। तो मान लो कि एक कोई स्फेरिकल ड्रॉप है, ये स्फेरिकल ड्रॉप है किसका, ऑयल का ड्रॉप है, ठीक है, और ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, कितने की स्पीड के साथ गिर रहा है, 4 m/s, तो यानी कि हमें स्पीड दिया है 4 cm/s दिया है, ठीक है, इन अ स्टडी एयर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप, और हमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, ये जो ड्रॉप है इसका रेडियस निकालना है, यानी कि आर हमें पता करना है।
द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ये जो ड्रॉप है किसका है, ऑयल का है, तो इसका जो डेंसिटी है वो कितना यहाँ पर दिया है, डेंसिटी ऑफ ऑयल यानी सिग्मा की वैल्यू हमें दिया है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड डेंसिटी ऑफ एयर, और इसके अराउंड में क्या है, एयर है, तो एयर की डेंसिटी भी दिया है, कितना दिया है एयर की डेंसिटी, इट इज़ गिवन रो इज़ इक्वल टू 1.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर, यानी कि एयर की वजह से जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा है, वो उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 1.8 × 10⁻⁴ पॉइस, ठीक है। और जी की वैल्यू हमें क्या बोल रहा है, कितनी कंसिडर करना है, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके। तो ये सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर गिवन है, और अगर आप एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं सारी की सारी वैल्यू CGS यूनिट में दी हुई हैं, तो यहाँ पर हमें कोई भी यूनिट वैल्यूज़ को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज़ किस में है, CGS यूनिट में है, राइट। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करने को बोला था, कि एक ये सपोज करो स्फीयर है, और ये किसका स्फीयर है, ड्रॉप है बेसिकली, किसका, ऑयल का ड्रॉप है, और ये नीचे गिर रहा है, ठीक है, इन द एयर, और जिसका रेडियस आर हमें कैलकुलेट करना है। तो अब इसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पर हमारी ये दोनों वैल्यूज़ आती हैं, तो यहाँ पे देखना है आपको कि दो डेंसिटी दी हुई है, यानी कि दिस इज़ रिलेटेड टू द टर्मिनल वेलोसिटी। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, V = 2/9 r² ρ - σg / ईटा, ये फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का। हमें कैलकुलेट क्या करना है, आर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पहले फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं और उसके बाद वैल्यू को पुटअप करते हैं। सो देयरफॉर यहाँ से क्या हो जाएगा, देयरफॉर अगर मुझे आर स्क्वायर निकालना है तो ये हो जाएगा 2r² ρ - σg = ये कितना हो जाएगा, 9V ईटा, ठीक है। जस्ट हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। सो देयरफॉर यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे r² = क्योंकि हमें r ही फाइंड करना है, राइट, तो ये कितना हो जाएगा, 9V ईटा / ये सारी वैल्यू इसको नीचे ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2ρ - σg, ठीक है। अब हम देयरफॉर क्या करेंगे, r² = 9, v कितना दिया है हमें वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है 4, तो 4 लिख लेंगे। ईटा की वैल्यू कितना है, 1.8 × 10⁻⁴, तो 1.8 × 10⁻⁴ अपॉन में हो जाएगा 2, रो डेंसिटी ऑफ एयर कितना दिया है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 ले लेंगे, माइनस डेंसिटी ऑफ ड्रॉप कितना है ऑयल का, 0.9, तो ये हो जाएगा 0.9, और जी की वैल्यू क्या बोला है कि आपको लेना है 980, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो सबसे पहले 2 से इसको करेंगे तो ये 2 बचेगा, 9 से अगर मैं इसको कैंसिल करूँ तो क्या ये कैंसिल आउट होगा, चलो देख लेते हैं, 9 9 1 9, उसके बाद 8 0, तो फिलहाल इसको हमें ऐसे ही रहने देते हैं, कोई बात नहीं है। तो नीचे आते हैं, सो देयरफॉर r² = इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 9 2 18, राइट, × 1.8 × 10⁻⁴ अपॉन, इसको हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.1 × 980, यही मिलेगा ना। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट से ये पॉइंट मैंने हटा दिया, सो देयरफॉर r² की वैल्यू क्या मिल रही है, 18 × 10⁻⁴ अपॉन 980, ठीक है। अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो किससे कुछ कोई वैल्यूज़ कैंसिल होती हुई दिख रही हैं क्या, तो अगर सबसे पहले मैं इनिशियली इसको कट करता हूँ, सपोज करो 2 से, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा आपका 4 और 9 0, राइट। वापस से अगर मैं इसको 2 से कट करूँ तो ये हो जाएगा 9, और इसको कट करेंगे तो 2 4 5, तो बेसिकली यहाँ से r² की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 9 9 81 अपॉन 2 45 × 10⁻⁴, ओके। अब क्या ये कैंसल आउट हो सकता है क्या, ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ये समथिंग 1/3 ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, तो जाने दो, इसको आपको करना क्या है, आगे का स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो ये हो जाएगा r = √, क्योंकि आपको निकालना क्या है, रूट,
तो रूट निकालने से पहले आपको करना ये होगा कि सबसे पहले तो आप इसे लॉग एंटी लॉग का यूज़ करके आप क्या करो कि पहले इसका आंसर निकाल लो। जो लॉग एंटी लॉग का यूज़ करने के बाद आंसर आएगा तो फिर उसका रूट निकालना, यानी कुछ इस तरीके से हम इसे करेंगे। अच्छा, जब भी आप लॉग एंटी लॉग यूज़ करते हो तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि आपका जो न्यूमरेटर है ना उसको बड़ा रखो। तो ये क्या मैं लिख सकता हूँ, 810/245 × 10⁻¹⁵ कर देता हूँ। अब देखो मेरा न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। इस तरह से करने से क्या होता है कि आपको माइनस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लाना पड़ता है, बार वाला कॉन्सेप्ट नहीं लाना पड़ता है अगर आपका न्यूमरेटर बड़ा है तो। अब देयर फॉर इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा r² = राइट। तो इसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके लिए आपको अब क्या करना होगा, रूट लिखना होगा, ठीक है। रूट 810/245 × 10⁻¹, ठीक है। अब जो भी इसका आंसर आएगा उसका हमें रूट देखना है, तो रूट जब आप देखोगे लॉग बुक में तो आपको रूट मिल जाएगा और फाइनली जो आंसर आपको मिलेगा वो कितना मिल रहा है, 0.574 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इतना रेडियस आपको मिलेगा किसका, ड्रॉप का। रिमेंबर दैट, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ आपको कैसे स्टेप यूज़ करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉग एंटी लॉग यूज़ करना है, उसके बाद इसका जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पर रख के फिर हमें रूट देखना है। अब रूट कैसा निकालना है तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया तो आप उसे वॉच कर लेना। तो रूट निकालने के लिए आपको करना क्या है कि ये जो पावर जो ऑड में दिया हुआ है ना, इसे सबसे पहले आपको इवन नंबर बनाना है। तो डिजिट शिफ्ट करके आपको या तो 10⁻⁴ बनाना है या तो 10⁻⁶ बनाना है, ताकि जब ये पावर बाहर निकले तो हाफ हो जाए और जो भी वैल्यू बचेगी उसका आप आसानी से रूट निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ द स्फीयर ड्रॉप। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.11। एग्जाम्पल नंबर 2.11 क्या दिया है यहाँ पर, एज शोन इन द गिवन फिगर अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 cm² पुशेज द लिक्विड आउट ऑफ द ट्यूब हुज एरिया एट द आउटलेट इज 40 mm². द पिस्टन इज पुश्ड एट अ रेट ऑफ 2 cm/s, डिटरमाइन द स्पीड एट विच द फ्लूइड लीव्स द ट्यूब। तो यानी बेसिकली हमें यहाँ पर क्या गिवन है फिगर में, सपोज करो ये है पिस्टन, ठीक है, ये पिस्टन है और ये कोई ट्यूब है, ये उसका आउटलेट है सपोज करो, ठीक है, ये उसका आउटलेट है, ओके, और ये यहाँ पर है वाटर। तो पिस्टन का एरिया दिया है यानी A1 की वैल्यू हमें दिया है और आउटलेट का एरिया A2 दिया हुआ है। उसके बाद जिस पिस्टन को हम लोग मूव कर रहे हैं वो कितने की स्पीड से मूव कर रहे हैं, V1 स्पीड से। तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि जब इससे पानी बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकलेगा, तो कितनी स्पीड से बाहर निकलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जो हमारी दी गई वैल्यूज़ हैं उसमें हमें सबसे पहले एरिया ऑफ पिस्टन दिया है, कितना एरिया ऑफ पिस्टन दिया है, 2 cm², ओके, और यानी A1 हो जाएगा। और एरिया ऑफ यहाँ पर जो आउटलेट दिया है वो कितना दिया है, 40 mm², राइट, 40 mm². देन रेट ऑफ यानी वेलोसिटी V1 यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, द पिस्टन इज पुश्ड एट द रेट ऑफ 2 cm/s। तो यहाँ पर दिया है V1 = 2 cm/s और हमें पूछा क्या है, डिटरमाइन द स्पीड एट विच द वाटर लीव्स द ट्यूब, यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, V2 कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ दी हैं ये अलग अलग यूनिट्स में दी हुई हैं, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो SI यूनिट में लाना पड़ेगा। तो देखो एरिया जो है दिया है वो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, तो हमें पता है सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमारी जो भी वैल्यू होगी उसको 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया मीटर स्क्वायर में। उसके बाद देखो ये मिलीमीटर स्क्वायर में है, तो आपको क्या याद रखना है कि मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वैल्यू होगी उसको 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उस वीडियो को आप अच्छे से वॉच कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वैल्यू कैसे हमें कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो ये वैल्यू दी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है, इसे हमें किस में लाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। तो सेंटीमीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड में लाने के लिए आपको वैल्यू को 10⁻²² से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ गया हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। सो देयर फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, A1V1 = A2V2, राइट। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग V2 फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयर फॉर V2 क्या हो जाएगा, V2 = A1V1 / A2।
अब यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करते हैं तो A1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 इंटू 10 के पावर माइनस 4 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है इट इज़ गिवन 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी है इट इज़ गिवन 40 इंटू 10 के पावर माइनस 6। तो अब अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो 2 से मैं इसको कट करूंगा तो 20, 2 से वापस से कट करेंगे तो 10, तो यानी बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 10^-6, राइट। और ये 10 × 10^-6, तो मैं इसको लिखता हूँ 10 × 10^-6, तो 10^-6 कैंसल। सो देयरफॉर फाइनली जो V2 का हमें आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1/10 विच इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो इतने की स्पीड से वाटर बाहर निकल जाएगा, ओके। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2.12 में क्या गिवन है। एग्जाम्पल नंबर 2.12, राइट, क्या दिया है, द गिवन फिगर शोज अ स्ट्रीम लाइन फ्लो ऑफ अ नॉन विस्कस लिक्विड हैविंग डेंसिटी 1000 kg/m³ एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट ए इज 2 cm² एंड एट पॉइंट बी इज 1 cm². द स्पीड ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ए इज 5 cm/s, बोथ पॉइंट ए एंड बी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट ए एंड बी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम फिगर देख लेते हैं, कुछ इस तरह का है फिगर, राइट। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर सपोज करो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और इसमें क्या बोला है कि कोई भी नॉन विस्कस फ्लूड है जो फ्लो हो रहा है, ठीक है। नॉन विस्कस फ्लूड वाटर हो सकता है या कोई भी नॉन विस्कस फ्लूड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन विस्कस फ्लूड फ्लो हो रहा है, ओके। अब यहाँ पर क्या क्या गिवन है, तो सबसे पहले तो वहाँ पर डेंसिटी दिया है हमें, कितना डेंसिटी दिया है 1000 kg/m³, तो ये डेंसिटी वहाँ पर गिवन है। और क्या दिया है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट पॉइंट ए इज, ए पॉइंट का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना दिया है, A1 इज इक्वल टू 2 cm², तो यहाँ से अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10^-4 m². एंड एट पॉइंट बी, और बी पॉइंट पर भी एरिया दिया है, कितना है बी पॉइंट का एरिया, इट इज़ गिवन 1 cm², तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 × 10^-4 m², राइट। द स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए इज 5 cm/s, और यहाँ पर जो स्पीड है पॉइंट ए में वो कितना दिया है, V1 इज इक्वल टू 5 cm/s, तो इसे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या लिख सकते हैं, 5 × 10^-2 m/s, राइट। और आगे क्या बोला है, बोथ पॉइंट्स ए एंड बी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी जो पॉइंट ए और बी है दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या मानना पड़ता है कि H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H, राइट। कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी, और हमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, डिफरेंस इन प्रेशर एट पॉइंट ए एंड बी, यानी कि अगर मैं मान लेता हूँ कि ए पॉइंट पर प्रेशर P1 है, बी पॉइंट पर प्रेशर P2 है, सो हमें क्या फाइंड करना है, P1 - P2 की वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्रेशर डिफरेंस निकालना है, राइट। अब इसके लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, सबसे पहले वो देखते हैं। सो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सो देयरफॉर फ्रॉम बर्नौलीज़ प्रिंसिपल, बर्नौलीज़ प्रिंसिपल से हमें क्या फॉर्मूला मिलता है, दैट P1 - P2 इज इक्वल टू 1/2 V2² - V1² प्लस ρgH2 - H1, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम लोग प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास रो की वैल्यू है, V1 की वैल्यू है, H2, H1 सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर V2 की वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, V2 की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब V2 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, सो बाय द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या मिलता है हमें वैल्यू, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। इस फॉर्मूले के हेल्प से सबसे पहले हम V2 निकाल लेते हैं। सो देयरफॉर V2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, A1V1 / A2। अब यहाँ पर देखो, देयरफॉर V2 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू कितनी है, A1 यहाँ पर दिया है 2 × 10^-4, V1 की वैल्यू कितनी है, इट इज़ गिवन 5 × 10^-2 / A2 की वैल्यू कितनी गिवन है,
वन इंटू टेन की पावर माइनस फोर, तो टेन की पावर माइनस फोर टेन की माइनस कैंसिल हो गया, सो देयरफॉर यहाँ से वी टू की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें, टू फाइव ज़ा टेन, टेन इंटू टेन की पावर माइनस टू, और इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये हमें क्या मिल गई, वी टू की वैल्यू मिल गई। अब हमें करना क्या है कि इस वी टू की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुटअप कर देना है ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सकें, प्रेशर डिफरेंस। सो देयर फॉर प्रेशर डिफरेंस पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो हाफ रो की जगह पर क्या रखेंगे हम, रो को मान लेंगे टेन रेस टू थ्री। रो की वैल्यू कितना दिया है, थाउजेंड दिया है, तो थाउजेंड को हम क्या मान सकते हैं, टेन रेस टू थ्री। अंदर ब्रैकेट में फिर यहाँ पर क्या बचा, वी टू का स्क्वायर, वी टू का स्क्वायर मतलब टेन इंटू टेन की पावर माइनस, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, टेन इंटू टेन की पावर माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। तो वी वन की वैल्यू यहाँ पर कितनी गिवन है, वी वन की वैल्यू है फाइव इंटू टेन की पावर माइनस टू, तो हो जाएगा माइनस फाइव इंटू टेन की पावर माइनस टू का होल स्क्वायर, राइट। प्लस प्लस अब देखो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या बोला है, दोनों का जो पॉइंट है ए एंड बी वो सेम हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो ऐसे कंडीशन में एच वन इज इक्वल टू एच टू इज इक्वल टू एच, तो यहाँ पर भी एच, ये भी एच, तो एच माइनस एच क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो इंटू इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, तो इस वाले टर्म को कोई लिख के मतलब नहीं है। तो आगे इसको कैरी करते हैं हम, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ इंटू टेन की पावर थ्री, और अब देखो सबसे पहले इसे हम लोग कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, इट विल बी इक्वल टू 100, राइट, कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस 4, और इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ओके। अब इसको आगे हम और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ पे देखो हमें करना क्या है कि पावर दोनों में कॉमन क्या है, 10^-4, 10^-4, तो इसको बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 100-25 इंटू 10 की पावर माइनस 4। ये याद रखना है कि जब भी आपको प्लस माइनस करना होगा तो आपको पावर कॉमन बाहर निकालना ही होगा, राइट। तो उसके लिए हमने पावर को कॉमन बाहर निकाल दिया। अब यहाँ से हमारा काम आसान हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 की पावर 3, और इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 75 इंटू 10 की पावर माइनस 4। अब अगर आप देखोगे तो 10^3 है, 10^-4 है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हाफ 75 इंटू 10 की पावर माइनस 1, राइट। अब हमें करना क्या है कि इसको कट कर लेना है, तो कट करेंगे तो देखो क्या आंसर आएगा, ये 2 3 ज़ा, राइट, 3 ज़ा, बाद में बैलेंस क्या बचेगा, 1 5, तो 1 5 में फिर ये कितनी बार आंसर आएगा, 7 टाइम्स, राइट, 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 1, सो देयरफॉर फाइनली क्या बोल सकते हैं, 3.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द प्रेशर। ये है प्रेशर डिफरेंस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 2.13, ठीक है, देखते हैं क्या दिया है एग्जाम्पल नंबर 2.13 में। डोर्स ऑफ द डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन द डैम, राइट। तो मान लो कि ये कोई डैम है, ठीक है, ये डैम है और डैम के बिलो में एक दरवाजा है, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे है, 20 मीटर डीप है। तो यहाँ पर सपोज करो ये कोई दरवाजा है, यानी डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन द डैम, इफ़ द वन डोर इज ओपन, और जैसे ही हम ये डोर को ओपन करते हैं तो क्या होगा, पानी स्पीड के साथ बाहर निकलेगा, सो वॉट विल बी द स्पीड ऑफ वाटर दैट फ्लोस आउट ऑफ द डोर, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर कि डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हाइट दिया है, 20 मीटर पे क्या है, डोर है, और जैसे ही हम ये डोर को ओपन करेंगे तो इससे बाहर क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, तो कितनी स्पीड से निकलेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, यानी क्या फाइंड करना है, स्पीड फाइंड करना है, और जी की वैल्यू यहाँ पर दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज़ वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2gh, ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ से वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 2, जी की वैल्यू कितना दिया है 9.8 और h की वैल्यू यहाँ पर कितना है 20, सो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 98 इंटू 2, सो देयरफॉर वी इज इक्वल टू रूट ऑफ 98 इंटू 4, सो देयरफॉर वी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
एट फोर जो 32 का 2 बैलेंस 3 36 और ये हो जाएगा 39। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि इसका रूट देखना है। तो रूट के लिए आप जब लॉग बुक का यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको 392 का डायरेक्ट रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर जो रूट मिलेगा वो 1.1 से लेकर 9.9 तक या तो 10 से लेकर 99 तक सिंगल डिजिट या दो डिजिट में मिलेगा। तो आप इसे क्या करोगे, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, 3.92 इंटू 10 की पावर 2। सो देयरफॉर वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3.92, और जब ये पावर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 10^1। अब आपको करना क्या है, अब आप सिंपली क्या करोगे, रूट में देखना है 3.9 में 2 का क्या आंसर मिल रहा है। तो जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा v इज इक्वल टू 1.979 मीटर पर 79 इंटू 10 की पावर 1 है यहाँ पर। सो देयर फॉर अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर लूँ तो कितना हो जाएगा, 19.79 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी स्पीड के साथ पानी दरवाजे से बाहर निकलेगा, राइट। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिया हुआ है, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2.13। ठीक है, क्या गिवन है इसमें, वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन द गिवन फिगर, फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल। इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट पॉइंट ए इज 2 मीटर पर सेकेंड एंड एट पॉइंट बी इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें कुछ यहाँ पर एक ट्यूब दिया हुआ है, तो इसको हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं जरा। ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट सपोज करो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, राइट। और ये यहाँ पर मर्क्यूरी लेवल दिया हुआ है अपने को, यानी ये पार्ट पूरा किससे भरा हुआ है, मर्क्यूरी से भरा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि वाटर फ्लोज थ्रू अ ट्यूब एज शोन इन द गिवन फिगर, और मान लो कि इस ट्यूब से वाटर का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। फाइंड द डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल, तो हमें क्या फाइंड करना है, डिफरेंस इन मर्क्यूरी लेवल। तो मर्क्यूरी लेवल का डिफरेंस मतलब हाइट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है, एच निकालना है। देन आगे क्या बोला है, इफ़ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट पॉइंट ए इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी यहाँ पर जिस स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है वो कितना स्पीड से फ्लो हो रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यहाँ पर स्पीड जो होगी उसको v1 मान लेंगे और यहाँ पर स्पीड को v2 मान लेंगे। एंड एट पॉइंट बी इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो बी पॉइंट पर कितने स्पीड से फ्लो हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और हमें क्या बोला है, जी की वैल्यू आप ले सकते हो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। सो देयरफॉर यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे रिलेटेड टू द वेंटरी ट्यूब। क्या फॉर्मूला यहाँ पर गिवन है, इट इज़ गिवन 2GH इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सो बाई दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द हाइट। ठीक है, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। सो देयरफॉर एच, यहाँ से एच क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर अपॉन 2G। चलो अब वैल्यू को पुट अप करते हैं, तो V2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5, तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू क्या है, 9.8। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इंटू 9.8। सो देयरफॉर यहाँ से फिर हमें क्या आंसर मिलेगा, एच इज इक्वल टू 25 माइनस 4 कर देंगे तो ये अपने को मिलेगा 21 अपॉन 2 इंटू 9.8, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 16.1 और ये 2 9 18, यानी कि 19.6। सो देयरफॉर एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2210 अपॉन 196। मैंने यहाँ से पॉइंट हटा दिया, यहाँ पे जीरो रख दिया। अब आपको क्या करना है, लॉग एंटी लॉग से इसे सॉल्व करना है और फाइनली जो आपका आंसर आएगा वो समथिंग आएगा 1.07 मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका हाइट। तो इस तरीके से हमने सॉल एग्जाम्पल से रिलेटेड जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स थे उन सारे न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर कवर अप कर लिया। होप सो दैट यू विल लाइक दिस वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और साथ ही साथ शेयर जरूर करें।